एड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रतिभा किसी भी परिचय की मोहताज नहीं होती, ना ही प्रतिभा के आगे कोई उम्र या कोई जाति, भाषा, धर्म आड़े आता है। तो प्रतिभा तो वहीं आ जाती है जहां पर उत्साह होता है, कुछ करने का जज्बा होता है। ऐसे ये चार विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हैं जो गांव तेवर के हैं, मुस्लिम समुदाय से है और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला के विद्यार्थी है। तो प्रतिभा इन बच्चों में कूट कूट के भरी है। संगीत विद्या में माहिर हैं, अच्छे विद्यार्थी भी हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं और काफ़ी प्रतिभावान विद्यार्थी हैं। संगीत विद्या में माहिर हैं, स्वयं ही वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, स्वयं ही गीत को लिखते भी हैं, गाते भी हैं। अभी इसे पूर्व की एक देशभक्ति गीत ये आपको सुनाएं। मैं इनसे परिचय चाहूँगा कि इनका नाम क्या है, किस स्कूल के ये विद्यार्थी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम आपका? आरिश। आरिश, गांव कौन सा है अपना? तेवर के रहने वाला है और स्कूल कोटला, कोटला स्कूल के। हाँ जी, राहत अली। तो राहत अली तेवर के ही है, स्कूल का नाम कोटला। करीमुद्दीन, करीमुद्दीन गांव तेवर, स्कूल कोटला, कोटला का राजकीय स्कूल साबिर। साबिर भी तेवर के ही हैं और कोटला स्कूल के हैं। तो ये चारों विद्यार्थी गांव तेवर के हैं और कोटला स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब ये अपने परिचय, अपने प्रतिभा का परिचय आपके सामने देने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं उसका एक प्रदर्शन। तो आज कौन सा गीत सुनाने जा रहे हैं आप? मर्द सूरमा। चलिए देखते हैं मर्द सूरमा, भारत का ये गीत, भारत माता को समर्पित ये गीत। चलिए जी आरंभ कीजिए, दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। Bye.
आपने इन बच्चों की प्रतिभा देखी, वास्तव में लाजवाब एक प्रदर्शन, बहुत अच्छी गायकी अपने विद्यालय की तरफ से, ना केवल ब्लॉक स्तर पर बल्कि जिला और राज्य स्तर पर भी ये बच्चे अपने प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से इनकी प्रतिभा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला में तराशी जा रही है और आए दिन इनका प्रतिभा जो है आगे से आगे बढ़ती जा रही है और उम्मीद करेंगे एक दिन जो है ये अपने इस इलाके का, अपने स्कूल का, अपने गांव तेवर का नाम देश भर में रोशन करेंगे। तो ये थी इन बच्चों के संग स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला से। धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।